आपको ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट करें। आपने क्या किया, एक प्याली ये वाला जो बाउल है इसकी मैंने मेजरमेंट्स रखी हैं, तो इस तरह का आपका जो बाउल है उसकी, तो एक बाउल लेंगे आप उबले हुए चने, और उसकी जो यखनी है वो हमने सेपरेट कर ली है, तो जो हमने पुलाव में पानी के तौर पे यूज़ करनी है, जो उसके अंदर पुलाव में डलती है। तो ये आ गए चने, सफ़ेद चने उबले हुए एक प्याली, और इसके अंदर हमने गरम मसाला लिया, उसमें फ्राई प्याज थोड़े से लिए, और ये जो है हमारे पास सारे जितने भी गरम मसाले होते हैं, जो काली मिर्चें और ये बड़ी इलायची, दालचीनी, तो ये हमने इसमें, और तेज़पात ये वाले ले लिए थोड़े थोड़े मिकदार में हमने ले लिए, तकरीबन एक एक टीस्पून के जितनी चीज़ें ले ली। और इसमें हरी मिर्चें दो अदद ले लें, प्याज एक जो होता है दरमियाने साइज़ का इस तरह से काट लें, इसको हमने फ्राई कर लेना है। और अदरक लहसुन का पेस्ट है जो एक टेबलस्पून है, और यहाँ पे पुदीना, ड्राई पुदीना जो है उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है वो आएगा। और इसके अंदर हम लोग टमाटो की जो होते हैं एक अदद टमाटो की प्यूरी ले ली। अब हमें आपके इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, और इसमें यखनी जो सी आप लोगों ने एक प्याली के जितना आपने ले लिए चने उबले हुए, तो उसमें हमें यखनी लेनी है तीन प्याली, साढ़े तीन प्याली जो है ना हम ये वाला पानी लेंगे यखनी का। तो अब हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने जो है इसको ये कुकर में बना रहे हैं, हम लोग वेट लगाएंगे इसको और ये झटपट रेसिपी बनेगी। तो इसमें हम लोग डाल लेते हैं तकरीबन आधी प्याली के जितना हम लोग डालेंगे ऑयल। ये हो गया ऑयल। अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज, प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। अब ये 5 मिनट में फ्राई होंगे, तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि फ्राई होकर क्या करना है। उन फ्रेंड्स के लिए जिनको कुकर में वेट के साथ जो है वो चावल बनाने नहीं आते, तो वो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये रेसिपी जो हमारे साथ शेयर करें, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। वैसे तो दम लगा के आप किसी भी कढ़ाई वगैरह में भी बनाते हैं चावल, तो वो भी होता है, लेकिन ये तरीका जो है कुकर में बनाने का है, तो इसकी मेजरमेंट्स भी और होती हैं और उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आपने इसमें क्या किया, प्याज को जो है वो इस तरह से फ्राई करेंगे। अब मैं आपको ज़रा गर्म मसाले का बता दूँ, इसमें आपने इसने 2 कदर ले लिए तेज़पात ये, और 2-3 ले ली ये बड़ी वाली इलायची, और इसमें ये लेंगे हम लोग दालचीनी 3 से 4 टुकड़े जो हैं दालचीनी के आगे, और इसमें जो है ये जो काली मिर्च साबित काली मिर्ची होती है ये आप ले लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून थोड़ी सी जितनी आपको पसंद है, और इसमें मैं ले रही हूँ सौंफ, और इसमें हम लेंगे थोड़ा सा अगर वो लेंगे सौंफ और इलायची लेंगे तो उसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी होता है और अच्छा भी लगता है। अच्छा, प्याज आपने इस तरह से फ्राई कर लिए, थोड़े से आपके प्याज फ्राई हो गए, तो अब हम इसके अंदर जो है वो अदरक लहसुन जो होता है थोड़ा मोटा मोटा काटा हुआ है, क्योंकि ये हम पुलाव बना रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा थोड़ा मोटा भी होता है अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, तो वो डाल दिया अदरक लहसुन, और इसके अंदर साथ ही आप ये गरम मसाला भी डाल दें। इन सब चीज़ों को आपने थोड़ा सा करना है, और इसमें आ गया टमाटो प्यूरी, एक अदर छोटे साइज का टमाटर जो होता है, ये कलर के लिए है, ये ऑप्शनल है, किसी की मर्जी होगा डाल दें, नहीं तो ये महंगी चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल देंगे, ये बड़ी झटपट रेसिपी होती है और बहुत ही मज़ेदार पुलाव होता है। अब हम इसमें मसाले डाल दें, इसमें हमने यखनी चमकी ली हुई है, तो हम नमक ले रहे हैं तकरीबन, तो हमारे पास एक प्याली था तो हम लोग 1.5 चम्मच जो है वो नमक लेंगे। हाँ, इसलिए मैं करौंजी डालूंगी, सुनते रसोई भी है, तो इसलिए हर खाने में आप थोड़ी सी करौंजी जो होती है ना 4 से 5 दाने जो है वो डाल दें। अच्छा, सूखा धनिया भी डाल दें 1 टीस्पून, जीरा, जितने अच्छे मसाले डालेंगे उतना ही टेस्टी पुलाव बनेगा, तो जीरा भी आ गया, और इसमें लाल मिर्ची होगी 1 टीस्पून, और हल्दी भी जो है वो आपकी ऑप्शन आपकी मर्जी है, कुछ लोगों को नहीं भी पुलाव में हल्दी अच्छी लगती है, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं डालती हूँ अपने पुलाव में। तो ये भी हमने 1/2 टीस्पून के बीच में हल्दी डाल दी, इन सब मसालों को आपने भुना। अच्छा, अब हम इसमें ये डाल देते हैं ड्राई पुदीना, पुदीने को ले लें और उसको आप थोड़े देर वो अच्छी तरह धो के कुछ एयर में आप उसको ड्राई कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा उसका हर खाने में फ्लेवर आता है।
चल अब हम इसमें जो अपने चने थे उबले हुए एक प्याली के जितने वो डाल दें, थोड़ा सा इसको डाल के भून लेंगे। अच्छा और अब यही वाली जो प्याली आप चनों के लिए लेंगे उसी प्याली का, एक प्याली अगर आपने चने लिए है कोई भी प्याली अगर लिया तो उसका हम 3.5 प्याली पानी जो होता है इसमें तो चनों की यखनी यूज़ हो रही है तो 3.5 प्याली हमने चनों की जो यखनी है ना वो लेनी है। इस तरह से मेजरमेंट होगी। तो आपने थोड़ा सा चनों के मसालों के साथ मिक्स किया अच्छे से भूना। अब आप क्या करेंगे इसके अंदर ये हमने मैयर करके रखे हुए 3.5 प्याली के जितना यखनी तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और जो चावल है ना वो हमने पहले ही 15 मिनट पहले भी गोल लिए हुए हैं तो ये आ गई चनों की यखनी। इसको आप हल्का सा बॉईल आने दें तो हम इसमें क्या करेंगे इसमें अपने भीगे हुए जो चावल है वो डाल देंगे। अंदर जो है बबल्स आना शुरू हो गए हैं तो ये पानी जो आपका अच्छे से चने जो उबलने लगे हैं अब हम इसको क्या करेंगे इसके अंदर जो भीगे हुए चावल थे 2 प्याली के जितने वो हम इसके अंदर जो है वो डाल देंगे। तो ये 15 मिनट पहले मैंने भी धो दिए थे चावल। और फिर हम इसे इसके अंदर डालेंगे। अब आपने कहीं सोच रहे हो कि झटपट कैसे है तो ये हमने वेट लगाना है, ये वेट वाले ये है कुकर में बनने वाले चावल है तो ये बड़ी जल्दी से रेडी हो जाता है ये बड़ा प्लाव। हमने क्या किया चावलों को अच्छे से डाल के मिक्स किया और इसके अंदर 1 टीस्पून के जितना गरम मसाला जो पिसा हुआ होता है वो अंदर डाल देना अपने से वो डाला। और अब हम इसको वेट लगा देंगे। और जैसे ही आपका वेट बोलेगा तो आपने इसकी जो है वो ये वेट लगा दें इसके ऊपर इस तरह से। और अब हम इसका तकरीबन 3 से 4 मिनट बस लगेंगे और ये वेट बोल पड़ेगा और आपने साथ ही फ्लेम ऑफ कर देनी है। बड़ा अब हम इसको बंद कर देते हैं, फ्लेम ऑफ हो गई है। अब हम 5 मिनट के बाद इसको खोल लेंगे। ठीक है पिन देखें इसकी सख्त हो गई बिल्कुल, ये देखें तो सख्त पिन है हिलने नहीं। तो अभी आपको बंद कर दें, 5 मिनट्स के बाद हम इसको ओपन करेंगे तो फिर हमारे चावल तैयार होंगे। जब इसकी पिन जो थी वो सख्त हो गई थी देखा था आपने ऐसे ऊपर हो गई थी और सख्त हो गई थी तो हमने इसकी फ्लेम जो ऑफ कर दी और 5 मिनट के बाद जो है अब हम इसको खोलने लगे। इसकी सारी आवाज़ और भाप वगैरह ख़त्म हो गई है और ये पिन देखिए बिल्कुल नीचे बैठ गई है। तो अब हम क्या करेंगे इसको खोलेंगे, पहले हम इसको उतारेंगे और फिर हम इसको ऐसे करके खोलेंगे। अब आप देखिए चावल कितने माशाल्लाह अच्छे से खिले खिले चावल बने हैं ये। अब हम इसको ऐसे किसी प्लेटर में निकाल देंगे। बिस्मिल्लाह ड्राइंग पर और ये देखिए कितने अच्छे चावल हैं, ये हमारे चावल रेडी हो गए। इस तरह से आप जैसे ही मेहमान हैं आप सर्व करें आप एंजॉय करें। थैंक यू। अब आप देखें इसको इस तरह से। अच्छा अब आप क्या करेंगे इसको जब किसी को सर्व कर लेंगे ना तो आपने इस तरह से फ्राई कर लेने हैं प्याज और फिर आपने उनके ऊपर सर्व करने से पहले ऐसे ऊपर से स्प्रिंकल करने हैं तो ये बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है। और इसके साथ आप पुदीने की चटनी या कुछ भी इस तरह जीरे वाला दही सर्व करें तो बहुत मज़ा आएगा। ओके थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।